मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि यू आर सो गुड, जस्ट बी अ लिटिल मोर प्रोफेशनल, दैट्स ऑल। मौनी ने कुछ एक अजीब सा एक पैटर्न शुरू किया, इतने घिनौने जोक्स उसने सुनाए। किसी की साइड से कोई कंप्लेंट्स थी? मौनी इज बहुत ज्यादा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ये सीन नहीं ऐसे नहीं करूंगी, ये लाइट कम कर दो, ये लाइट बहुत ब्राइट है। ट्रेलर सामने आ गया है और बहुत सारे शेड्स, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा थ्रिल और कहीं कहीं रोमांस देखने को मिल रहा है। लेकिन आइए जानते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ है स्टार कास्ट एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर हिमसेल्फ। सो क्योंकि बहुत ही अमेजिंग शेड्स हम देख सकते हैं, आइए जानते हैं इनसे। पहले सबसे तो सर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि इतना मल्टी स्टारर बैलेंस कर पाना, हर एक को उतनी फुटेज दे पाना, क्योंकि जस्टिफाइड भी होना चाहिए ताकि कोई एक्टर इस तरह से नाराज ना हो, मुश्किल? क्योंकि ऑलरेडी हम आपको देख चुके हैं इस तरह का एक स्टोरी लाइन, इस इतने दशक का, या फिर सुल्तान की जो बात आपने पर्दे पे ऑलरेडी दिखाई है, इसको बैलेंस आउट कर पाना किस तरह रहा, क्योंकि ये आपका ओटीटी डेब्यू भी है? उस पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको जो मटेरियल आपको पेश करना है वो सही तरीके से पेश करना बहुत ज़रूरी है। उसमें फेवरेटिज्म या एक एक तरफ ज़्यादा टिल्ट होना, दैट्स नॉट राइट। सेकेंडली, जो ट्रस्ट आप अपने एक्टरों का पा लेते हो फिल्मिंग प्रोसेस में, वो ट्रस्ट इन चीज़ों के वक्त बहुत काम आता है, क्योंकि वो एक इंट्रिंसिक रिलेशनशिप बन जाती है, जिसमें उनको आप पे इतना डाउट नहीं रहता है कि आपने किसी के साथ सही किया या गलत किया। वो जानते हैं कि अगर आपने कुछ किया है तो किसी वजह से वो सीन कट गया है, या वो उनका एक शॉट कम आया है, या एक कोई जो भी गाना इस पे ज़्यादा फोकस है या पोस्टर में उस पे ज़्यादा ध्यान है। सो ये इट्स नॉट ईजी, इट्स अ टीम एफर्ट। एंड उसमें मेरे हिसाब से इट नीड्स कॉन्फिडेंस फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट्स, नॉट जस्ट मी। कि अगर ताहिर का फेस अंजुम से थोड़ा बड़ा है, या अंजुम का पोस्टर ताहिर से बेटर है, तो उनको आप इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए उन अपने आप पे और मुझ पे, कि हम बराबर बैलेंस करके चलेंगे। दैट्स द वे अ मल्टी स्टारर इज मेड। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर विनोद खन्ना या शशि कपूर या शत्रुघ्न सिन्हा या ऋषि कपूर जैसे बहुत बड़े एक्टर्स जो थे स्टार्स, फिल्म स्टार्स, अगर इन्होंने अमित जी के साथ काम करने से उनको लगा होता कि या हमारे गाने उतने बड़े नहीं होंगे, या हमारा एक्शन उतना बड़ा नहीं होगा, या हमारा फेस पोस्टर पे उतना अच्छा नहीं आएगा, तो शायद हिंदी सिनेमा को कम से कम 200 फिल्में कम मिलती, 200 ब्रिलियंट फिल्में कम मिलती, अगर शशि कपूर ने दीवार में जो रोल किया वो नहीं किया होता, या संजीव कुमार में जो ने जो त्रिशूल में रोल किया वो नहीं किया होता, या अमर अकबर एंथनी ने ऋषि कपूर ने जो रोल किया है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे फॉर एन एक्टर टू इवॉल्व, कि आपको आपका अपना स्पेस आप संभालो, बाकी फिल्म मेकर पर छोड़ दो। जी, अगला सवाल मेरा ताहिर, मोनी और अंजुम से है, क्योंकि 1960 के दशक में किरदार दिए जो स्टोरी लाइन है वो लिखी गई है, ऐसे में हम इस वक्त 2023 में रह रहे हैं, उस जगह पर जाकर वो चीज़ें अडाप्ट कर पाना कि 1960 के दशक में लोगों की क्या माइंडसेट रही थी, क्या एक पहनने का ढंग था, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली कि अब की ऑडियंस आपके उस कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं, या फिर उस तरह का प्यार दे पाएगी या नहीं, क्योंकि जॉनर काफ़ी अलग है,
और ऑलरेडी इस तरह का जो मार्काट जो इस तरह का एक स्टोरी लाइन है वो ऑलरेडी पहले कई बार आ चुका है. इतना रिस्की भरा मैं कहूँगी कैरेक्टर को हाँ कहना, क्या एक रीज़न रहा था और क्या एक अप्रोच रही थी इन कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए? तो हाँ सी, मैं इसमें एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ये सही बात है कि 1960 का दशक फिल्माया जा रहा है, दुनिया वहाँ की है, कपड़े, कॉस्ट्यूम, लोग, लहजा, गाड़ियाँ, पूरा जो सारी चीज़ें हैं वो उस दशक की फिल्माई जा रही हैं. लेकिन जो लोग हैं वो एक तरीके से उनमें इमोशन है, उनकी सोच, उनका इमोशन, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो टाइमलेस हैं. वो जो फ्रेंडशिप या दोस्ती तब रही होगी, जो इंटेंसिटी या दोस्ती में इमोशन पहले रहता होगा या बाकी दूसरे रिलेशनशिप में, वो आज भी वैसा ही है क्योंकि वो चेंज नहीं होते. वो इमोशन आपके जिन भी लोगों के साथ रहते हैं वो तो हमेशा सेम ही रहते हैं. अब वो उसमें है जो फिल्म मेकर हैं, जैसे सर हैं, उनकी वो चीज़ कि उसको कैसे आज के दौर में रिलेटेबल रखा जाए. तो जो पूरा जो सुर है, लाइक इन टर्म्स ऑफ हिज अप्रोच, या मेकिंग, लाइक फॉर एग्जांपल डे वन से इफ़ आई मे से इट, उनका हमेशा ये था कि मैं 1960 का एक दशक बना रहा हूँ लेकिन उसका जो पैलेट है वो मेरा सुर होगा. तो ये सारी चीज़ें हमेशा से पहले से क्लियर थी. आपको बस ये करना था कि आप अपनी सेंसिबिलिटी और थोड़ा बहुत जो भी आप काम जानते हैं उसको लेके आप सरेंडर करें पूरा, बिकॉज यू आर इन सेफ हैंड्स एंड इफ़ यू ट्रस्ट, बिकॉज दिस इज़ द ओनली टाइम, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग विद समबडी लाइक हिम ऑन दिस शो, आपको ट्रस्ट फैक्टर जैसे सर ने भी कहा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप सरेंडर करेंगे, आई थिंक एक्टर को सरेंडर करने के बाद ही मैजिक शुरू होता है. आई गेस इन्होंने जो कहा उसी में ऐड करूँगी कि एक किताब पे बेस्ड है जिसका नाम सुल्तान ऑफ दिल्ली है. और तो जैसा कि सर पहले बता रहे थे कि वो टोन ऑलरेडी सेट था, पर बहुत ही मज़ेदार बुक है. आप एक बार वो पढ़ना शुरू करो तो आप रख नहीं सकते. तो ना बोलने की तो कोई वजह ही नहीं थी जब आपको पता है कि आप क्या वर्ल्ड में किस वर्ल्ड में आप एंटर कर रहे हो. और सारे किरदार इतने स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं, सब इतने ह्यूमन है उसमें. और जैसा कि अंजुम ने कहा, सर ने कहा कि 60s में सेट है स्टोरी, बट इट्स अ स्टोरी एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी. सो आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. जी, बट आपका जो ये कैरेक्टर है जी, वो उसमें ऐसी क्या एक शेड है या कि चीज़ है जो आपको ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना विल बी समथिंग दैट विल ऐड टू योर करियर? आई मीन टू बिगिन विद, टू गेटिंग टू वर्क विद मिलन सर इटसेल्फ इज, आई मीन इट्स ह्यूज फॉर मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट ही इवन थॉट अबाउट मी फॉर दिस पार्ट. और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अच्छा, अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो ऐसा एक कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं था. मुझे डांस करना बहुत पसंद है और मैं बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस भी करती हूँ, सॉन्ग्स भी करती हूँ, बट मेरे लिए ये बहुत अट्रैक्टिव था टू बी एबल टू प्ले कैबरे डांस विच इज सेट इन द 1960s. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड मी एंड आफ्टर दैट देर आर मेनी लेयर्स ऑफ द कैरेक्टर एंड शेड्स दैट यू विल गेट टू सी व्हेन द शो कम्स आउट. ताहे बहुत ही सुल्तान वाली वाइब आ रही है. जी, उस सुल्तान वाले वाइब के लिए ही जो है हम सर के साथ काम कर रहे थे. पर जैसे कि आपने कहा 1960 की कहानी है, एक्चुअली जो कहानी है वो उससे थोड़ी पहले स्वतंत्रता के बाद वाला जो दौर है उस वक्त शुरू होती है. और हालांकि उस वक्त जो आर्थिक स्थिति थी लोगों की वो गंभीर थी, पर इस कहानी में हल्कापन और रोमांच है उस गंभीरता के अंदर. एंड दैट वाज व्हाट वाज ब्यूटीफुल अबाउट इट, कि भले सिचुएशन सीरियस हो पर जो जिस तरह हम उसे प्ले कर रहे हैं उसमें एक एडवेंचर है, एक लाइट हार्टेडनेस है, थोड़ा बहुत रोमांस है, एंड दैट्स व्हाट मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले. जी, अगला सवाल जो है वो सभी के लिए है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जब इस तरह के टॉपिक्स पर, क्योंकि हम किसी ना किसी एक सिटी को या फिर स्टेट को हम उसके आधारित वो इर्द गिर्द वो स्टोरी लाइन दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी ऐसे कहने लगते हैं कि अच्छा हमारे स्टेट को या सिटी को टारगेट किया जा रहा है, पहला. और दूसरा ये, जब क्योंकि वो तो पर्दे के पीछे से आपको दिखा रहे हैं, पर्दे के सामने तो आप दिखने वाले हैं, तो आपकी ये जो कैरेक्टर्स है कहीं ना कहीं लोग उससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, अच्छा ये डार्क शेड है या फिर ये न्यूट्रल शेड है, तो कहीं ना कहीं लोग भी उसी तरह से आपको देखने लगते हैं, फिर जज करने लगते हैं.
यहाँ पर जब आप ये प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है सुल्तान मिर्ज़ा जब वंस अपॉन अ टाइम आई थी तो एवरीबडी, मतलब जो उस एज के लोग थे, दे ऑलवेज वॉन्टेड टू बी, अरे सुल्तान मिर्ज़ा का स्टाइल है, वी वॉन्ट दैट. तो ये जो एक इन्फ्लुएंस आता है, एक दौर आता है किसी भी फिल्म को लाने के बाद, इसके लिए कितने प्रिपेयर्ड होते हैं और कितनी हिम्मत भी चाहिए होती है? नहीं, मैं इसका जवाब आपको देना चाहूँगा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अंजुम, मोनी और मैं तीनों दिल्ली से हैं, और स्क्रिप्ट पढ़ के अगर तीनों में से किसी को भी लगता कि यहाँ पे किसी भी शहर को एक अलग शेड में या एक गलत शेड में दिखाया जा रहा है, तो सबसे पहले हम में से कोई मेकर्स को बोलता. और आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर ऑल ऑफ अस कि ये मतलब बात दिमाग में भी नहीं आई. एंड आज की जो ऑडियंस है वो बहुत ही मैच्योर है, एंड आई थिंक वो एंटरटेनमेंट और फन को रियलिटी से एक अंतर देख लेते हैं. जी हाँ, शायद कुछ स्टाइल पसंद आ जाए, कोई गाना पसंद आ जाए, पर जो कि हम दिखा रहे हैं वो भी 1960 की बात को आज की दौर में देखना और बोलना कि ये किसी शहर के बारे में है, वो नहीं है. मतलब एंटरटेनिंग है, बहुत मज़े आए हमें करते हुए. और हालांकि टाइटल में दिल्ली का नाम है, हमने एक्चुअली इसको हिंदुस्तान के कई शहरों में शूट किया है, तो उस दिशा में आई डोंट थिंक ऑडियंस का दिमाग बिल्कुल भी जाएगा. आई थिंक दे आर गोइंग टू हैव एज मच फन वॉचिंग इट एज वी डिड मेकिंग इट. डिटो. सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सही कहा. जी अंजुम. हाँ, मतलब बिल्कुल जो ताहिर ने कहा वो एक सवाल का एक हिस्सा था. वो दूसरी चीज़, जैसे आपने जिस किरदार की बात की सुल्तान मिर्ज़ा, मेरा ये मानना है कि जैसे लोग और ऑडियंस बिल्कुल आइडेंटिफाई करती है अगर बहुत बड़ा किरदार, या इवन पहले अगर हम दीवार का या बच्चन साहब की कोई भी फिल्म का अगर एग्जाम्पल उठाएँ कि वो कुली बने हैं या जो भी उनका ग्राफ है, वो जो स्टाइल है, वो जो शर्ट है, वो जो पैंट है, या वो जो गले में रस्सी है, वो सिर्फ 4 मिनट या 5 मिनट तक ही आपको आकर्षित कर सकती है. उसके बाद आप उस इंसान को, उसकी जर्नी को और उसके इमोशन को फॉलो करते हैं. तो आज भी जब आप किसी किरदार के बाद अगर आप बात कर रही हैं, अगर मैं उसी की बात करूँ, तो वो इमेज मेरे दिमाग में आती है कि एक आदमी है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जो कनेक्टिविटी है, मैं जुड़ा हूँ उसके इमोशन से, उसकी जर्नी से, उसकी राइचियसनेस से, वो किन सही चीज़ों के लिए खड़ा हुआ, कौन सी कोई चीज़ जो गलत थी वो उसको पसंद नहीं थी, ये सारी चीज़ें हैं जो ऑडियंस के साथ लंबे समय तक रहती हैं. जी, ऑल्दो जाना चाहूँगी क्योंकि इतनी मल्टी स्टारर टीम रही है आप लोगों की, किस तरह का शूटिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इतने सारे अलग अलग लोग, नए नए लोगों से मिलना, बातें चीतें करना, How was it overall? ये दोनों बिल्कुल बात नहीं करते थे. इनिशियली तो बिल्कुल ही नहीं करते थे. इनिशियली तो बिल्कुल ही नहीं करते थे. मैं, इट वॉज वन साइडेड कॉन्वर्जेशन, सिर्फ मैं बोलती थी, मैं ही खुद को सुनती थी. बट थैंकफुली वी हैड सर, एंड मैं इनके पास जाके बैठ जाती थी और इनको बोलती थी सर कुछ बताइए, कुछ कहानी सुनाइए. और इनके पास कहानियों का पिटारा है और इतने सारे अच्छे अच्छे स्टोरीज हैं. तो बड़ा मज़ा आया इनके साथ काम करके. बट इन दोनों के बारे में एक बात बताऊंगी कि ताहिर और अंजुम दोनों ही मुझे लगता है कि बहुत ऑनेस्ट इंसान हैं. जो हैं जैसे हैं वो वैसे ही हैं, इसीलिए इन दोनों का काम भी इतना अच्छा है. बिकॉज यू नीड दैट काइंड ऑफ ऑनेस्टी इज अ ह्यूमन बीइंग टू बी सच अ ब्रिलियंट एक्टर. सो आई थिंक दैट इज़ वाई मुझे कम्फर्टेबल भी होता था कि ये दोनों चुप भी क्यों ना रहे. और कभी कभी ऐसे लगता है ना कि कोई एरोगेंट हो तो मुझे, मैं क्यों जाके बात करूं बार बार. बट मुझे पता था कि दे आर इनटू देयर कैरेक्टर, इनटू देयर जोन. सो बट स्लोली स्लोली टुवर्ड्स द एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग लिटिल बिट. आई थिंक या इवन फॉर मी आई फेल्ट दैट बिकॉज ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, क्यों मेरे लिए जो बेस्ट टाइम है वो बैकअप के बाद शुरू होता है. जब लोग आपस में मिलते जुलते हैं, बैठते हैं, किससे कहानियाँ सुनाते हैं, ड्रिंक पीते हैं, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कहीं खो जाते थे बैकअप के बाद. तो पहले मुझे लगा कि शायद एक रिस्पेक्ट है कि मेरे सामने या मेरे साथ तो फिर गायब हो गए, फिर वापस आना शुरू हो गए. फिर मौनी ने कुछ एक अजीब सा एक पैटर्न शुरू किया, इतने घिनौने जोक्स सुनाए, I don't know jokes also. मुझे एक्टिंग
करना वहां से सर ने डिसाइड किया कि ये दोनों जो नहीं बोलते यही ठीक है बट ग्रेजुअली एज वी गॉट टुवर्ड्स द एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई थिंक गॉड विलिंग सीजन 2 में वी नाउ वी हैव रियलाइज्ड दैट वी लाइक स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत हो गई है तो सीजन 2 में शायद और मजा आएगा लेकिन इट वाज फन इट हैज बीन अ वेरी गुड राइड लेट्स सी व्हाट बोथ ऑफ देम हैव टू से अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर एंड ऑल जस्ट टू ऐड टू व्हाट सर इज सेइंग एक हमारा जो शेड्यूल है हालांकि कुछ 70-80 दिन का था पर वो इट वाज शॉर्ट ओवर 1 ईयर इतना लंबे समय बिताने के बाद वो जो सर कह रहे हैं कि थोड़े टाइम बाद ऐसा लगने लगा कि हम नहीं पर वो जब शूट खत्म होता है ना आई रिमेम्बर हैविंग अ मीटिंग विद सर कि सर मतलब थोड़ा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है जिंदगी में एंड वो उस टाइम की अहमियत आपको तब समझ में आती है जब वो खत्म हो जाता है एंड आई रियलाइज्ड द स्पेशलनेस ऑफ द पीपल सिटिंग हियर द कास्ट मेंबर्स हु आरंट हियर एंड व्हाट वी हैव क्रिएटेड व्हेन इट एंडेड एंड माय बिग लर्निंग फ्रॉम सुल्तान हैज बीन कि जब आप उस मोमेंट में होते हो ना उसको वैल्यू करो Correct. और जैसे कि मैंने सर को बोला लर्न टू हैव फन आल्सो लाइक कभी कभी हम काम में इतना सीरियस हो जाते हैं ना कि नहीं यार मैं किसी से बात नहीं कर सकता पर मैंने अर्जुन भाटिया ने ये सीखा है कि कभी कभी बैल्कनी में बैठ जाना भी जरूरी है और क्योंकि हम साथ टाइम स्पेंड करने की बात कर रहे थे आई थिंक फ्रॉम अ को एक्टर द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन आस्क फॉर इज जब कोई एक्शन बोले आप उसकी आंखों में देखें आपको कैरेक्टर नजर आए एंड फ्रॉम अंजुम आई गॉट दैट 110% एंड आई थिंक क्योंकि हमने इतना वक्त बिताया एक दूसरे के साथ वो कहते हैं ना कि गुड फ्रेंड्स हैव ग्रेट कॉन्वर्सेशंस बेस्ट फ्रेंड्स आर कंफर्टेबल इन साइलेंसेस और हम दोनों मैं एग्जैक्टली ये भी बोलने वाला हूं हम दोनों उस फेज में पहुंच गए थे कि हम पूरा दिन भी अगर बैठे रहे और हमने कुछ भी ना बोला ना तो ये मेरे को पता है ऑफेंड नहीं होगा और मैं भी ऑफेंड नहीं होऊंगा कि इसने कुछ नहीं बोला एंड आई थिंक द सेम विद सर विद मोनी द स्पेशल थिंग वाज बिकॉज शी वुड कम इन विद एज सच अ फायरबॉल ऑफ एनर्जी पूरी सेट की वाइब बदल जाती थी एंड बिकॉज हर डेज वर सो एनर्जेटिक यू नो गाना हो रहा है या फुल रोमांटिक ट्रैक चल रहा है वी नीडेड दैट एनर्जी ऑन सेट टू ब्रेक द पैटर्न दैट बंगाली एंड अर्जुन हैड सेट सो ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल मिक्स एंड आई थिंक आई कैन से द सेम थिंग फॉर टाइम आई स्पेंट विद निशांत विद मेरीन विद हरलीन विद अनुप्रिया सबके साथ और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा कैरेक्टर लिखा इस तरह गया था कि यू वर स्पेंडिंग टाइम विद एवरीवन एक अलग एनर्जी आती थी और कुछ हो जाता था सेट में जो आप शब्दों में नहीं कह सकते मतलब ये कमाल की बात है कि जो हमारे शो की कास्ट है सबकी एनर्जीज इतनी अलग हैं सो इट इज़ एक्चुअली अ बास्केट विच हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स ताहिर की अलग एनर्जी है मोनी की अलग है मेरी अलग है निशांत महरीन हरलीन अनुप्रिया इन सब की विनय सर जो हैं तो इन सब को एक साथ रखना मतलब आई कैन नाउ थिंक कि सर पे क्या गुजरती होगी कि यार और इनको एक दिन में मतलब कभी कभार तो हम दोनों ही मिलते थे या तीनों कभी कभार ऐसा होता था चार पांच लोग एक साथ मिले तो ये कैसे लेकिन इन्होंने आज तक कभी हमें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि इनके अंदर क्या चल रहा है आज थोड़ा एक ट्रेलर मिला था आज पहली बार हमें पता चला अंदर के एहसास का स्टीवन स्पीलबर्ग सेड दैट डायरेक्टर इज लाइक अ डक व्हाट यू सी अबव द सरफेस बर्ड ग्लाइड कर रहा है पीसफुली पानी में व्हेन यू गो बिलो द सरफेस यू सी दैट ही इज पैडलिंग लाइक हिज पैंट्स आर ऑन फायर सो दैट इज व्हाट इट इज एक्टर्स की एक बहुत रोमांचक आदत है कि वो आपसे किसी भी वक्त कोई भी सवाल पूछ सकते हैं वो आपको आपके माइंड में क्या चल रहा है वो उनका प्रॉब्लम नहीं है उनके माइंड में क्या चल रहा है वो उनका प्रॉब्लम है तो कहीं से भी आपको कहीं से भी कोई भी आके एक तीर मार सकता है सेट पे सर मेरी आई डोंट लाइक माय सारी व्हाट इज दिस वो बोलेगा सर मैंने ये आपने ये डायलॉग काट दिया ये बोलेगा सर मैं वहाँ से आने लेफ्ट से आने वाला था मैं राइट से आ रहा हूँ तो यू हैव टू जस्ट चिल दैट्स व्हाई द इवनिंग्स आर इंपॉर्टेंट हमने जो बिताई हैं मुझे याद है कि पंजाब में हम थे और एक दो बार हम पैकअप के बाद क्योंकि अगला दिन भी थोड़ा हल्का था तो हम बैठे काफ़ी लंबी गप्पे चली हमारी और जब फिर हम गुजरात में थे सारी चीज़ें मतलब मुझे अभी याद है जब गुजरात से हम वापस आए मैंने एक्चुअली फ़ोटो भेजा सर को भी और नमित को भी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कि सर मैं मिस कर रहा हूँ वो चीज़ें बट डायरेक्टर सर किसी के साइड से कंप्लेन थी मेरे लिए किसी की साइड से कोई कंप्लेंट्स थी मोनी इज आई थिंक मोनी व्हाट इज रॉन्ग विद यू यू बीन लाइंग सिंस मॉर्निंग पहले से मतलब सर वो मेरा गाना ये क्लिप देखिए ये हेलेन जी का क्लिप देखिए मैं ये मतलब वो मैं आपके साथ पूरा इनबॉक्स फुल हो जाता था
वो से उसके बाद शूट पे भी मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ये सीन नहीं ऐसे नहीं करूंगी, ये लाइट कम कर दो, ये लाइट बहुत ब्राइट है, अभी ये सब हुआ है तो क्या कर सकते, करना पड़ता है सर, मौनी है। He is lying through his teeth. You have to keep quiet when you're next to glamour. I look forward to watching आज तक this evening. Sir, correct. No, now speak honestly. Speak honestly now. एक बार बोल दिया, बोल दिया। एक बार बोल दिया। Don't let this be the testimonial of. बोलता हूँ कि you are so good. Just be a little more professional. That's all. That means you're unprofessional. दे दिया उन्होंने जो चाहिए उनको। I can't change my statement. इतने लोगों के साथ काम किया है, कुछ है उनके बिल्कुल, but then you know what does that mean? That means I'm his favorite. Correct. That's true. Bang on. But then I think वो समाप्त तब हो गया जब उन्होंने कहा कि आप 3 घंटा लेट आती थी, तो जितना परेशान कर रही थी आपने इंतजार करवा दिया। Correct. True that. जब वो given time. मैं कभी 1 मिनट लेट नहीं आई हूँ, मैं हमेशा सेट पे 10 मिनट पहले पहुँचती हूँ अपने कॉल टाइम से। नहीं, और सबसे पहले रेडी होती हूँ। गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आती है 10 मिनट पहले, और उसके बाद फिर लंच के बाद मिलती है। I cannot believe you are saying all this. On national television. चलो इसको थोड़ा एक अलग perspective इसमें थोड़ा इसका अलग perspective ये है कि अब मुझे और इनसे इनके साथ काम करना पड़ेगा सीजन 2 में, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मौनी बहुत प्रोफेशनल है, हमेशा टाइम पे आती है, अपनी लाइन सीख के आती है, कोई सवाल नहीं पूछती है, फोन पे बहुत जल्दी समझ जाती है, डायरेक्शन की इनको जरूरत नहीं है, अपने आप ही परफॉर्मेंस करती है, अपने आप ही सीन इंटरप्रेट करती है। डन Done. Promo clip. This is what you asked for. Thank you so much. Thank it was you. Lovely. हम चाहेंगे कि 13 अक्टूबर को भी इसी तरह से ये जो आप सभी का एक तालबेल में देखने को मिल रहा है, वो इसी तरह सुल्तान ऑफ दिल्ली में भी देखने को मिले। Thank you. Please watch it. I will. हम तो आपके लिए लेकर ही आते हैं 24/7 entertainment. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।